फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण हो जाता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि हमें उसके साथ व्यवहार बिल्कुल वैसा ही रखना चाहिए जैसा कि हम पहले रखते थे, क्योंकि एचआईवी कभी भी एक साथ खाना खाने से या फिर एक साथ बैठकर काम करने से नहीं फैलता है। ये एक वायरस की तरह होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है हवा या फिर गंदे पानी के जरिए। इसीलिए एक साथ खाने की वजह से एचआईवी नहीं हो सकता है। ये कोई लाइलाज बीमारी भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से इसका इलाज कराएंगे तो आप इस बीमारी के संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। अक्सर एक शोध से ये बात सामने आई है कि जब भी किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण होता है और उसकी दवा कराई जाती है तो वह संक्रमण धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एचआईवी संक्रमण हुआ है तो आपको बिना किसी देर किए अपने सारे टेस्ट सही तरीके से पूरे कराने चाहिए, और अगर डॉक्टर्स आपको दवाइयों का कोर्स करने के लिए कहते हैं तो आपको उस कोर्स को भी पूरा करना चाहिए। अगर आप एक बार जिम्मेदारी से और अच्छे तरीके से अपनी दवाइयों के कोर्स को पूरा कर लेंगे तो एचआईवी के संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में ही आपने दवाइयां छोड़ दी तो ऐसा संक्रमण का खतरा बढ़ भी सकता है। इसीलिए एचआईवी जैसे संक्रमण से बचने के लिए दवाओं का सेवन करना जरूरी है। लेकिन ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगी कि दवाइयों का सेवन खुद से कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आपकी बॉडी को किस दवा की जरूरत है। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।